मेरी शरण अखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। कितनी सही लाइनें हैं ये बाबा की कही हुई और ये कितनी सत्य होती हैं बाबा के द्वारा। ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साई वचन चैनल से बाबा की बेटी आप सबको एक प्यारा सा नमस्कार। आज की जो लीलाएं हैं बहुत छोटी छोटी सी हैं, एक तो बहुत छोटी सी है लेकिन वो इतनी प्यारी है और इतनी अनोखी है कि मतलब वही चीज आती है ना कि जैसे बाबा ने बोला है कि आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। और बिल्कुल सत्य है ये, बाबा से मांगा हुआ कभी खाली हो ही नहीं सकता। और ऐसी ही एक लीला है, बहुत छोटी सी पर बहुत प्यारी सी है। मौसमी जी हैं, ये बाबा की बहुत प्यारी सी डिवोटी हैं, बाबा पर बिलीव करती हैं और बाबा से ही सब कुछ कहती हैं। परेशानियां भी आती हैं तो भी बाबा की, सुख आते हैं तो भी बाबा के, बस हम बाबा के हैं, ये वाली सोच जो है ना ये बहुत अच्छी लगती है मुझे कि जब हम बाबा के हैं तो फिर बाबा को पता है कि हमारी तकलीफ़ों को कैसे दूर करना है और हमारी खुशियों को कैसे बढ़ाना है। तकलीफ़ें आती हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता है कि मतलब आपकी लाइफ से तकलीफ़ें ही चली जाएं, और अगर तकलीफ़ें चली जाती हैं ना तो खुशियों की वैल्यू नहीं समझ आती। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी ही नहीं रहे तो आप खुश होने के मायने भूल जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम कब खुश थे, हम कब खुश नहीं थे। इसलिए तकलीफ़ों का आना भी ज़रूरी है, हमें वो खुशियों की वैल्यू बताकर जाते हैं। तो इसलिए तकलीफ़ों से मत डरिए, तकलीफ़ों के आगे डटकर खड़े रहिए, बाबा के साथ खड़े रहिए। और जब बाबा के साथ खड़े होते हैं तो फिर वो तकलीफ़ें आपकी नहीं रह जाती, वो तकलीफ़ें बाबा की रह जाती, बाबा की हो जाती हैं। ऐसी ही एक लीला है ये कि ये मौसमी जी हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने बोला कि इनके बेटे को इन्होंने बोला कि एग्ज़ाम देने के लिए, मुझे एक क्लास याद नहीं है पर जहाँ तक वो 10th में हैं, तो 9th या 10th में, तो उन्होंने उसको बोला कि नहीं और एग्ज़ाम देने हैं। और बेटा जो है वो रात में मतलब इतनी जिद पे आ गया कि मैंने एग्ज़ाम देने ही नहीं हैं, चाहे जो मर्जी कर लो मैंने बिल्कुल भी नहीं देने हैं। ये समझाती रही, इनके हस्बैंड समझाते रहे और भी लोग समझाते रहे कि बेटा एग्ज़ाम तो देने पड़ेंगे ना, बट ही सेड कि मैंने एग्ज़ाम देने ही नहीं है। और ये इस तरीके से बोल के और बिल्कुल डिसाइड करके, मुझे सुबह उठाना मत, मैंने एग्ज़ाम नहीं देना है और मैं नहीं दूंगा। तो अब आप समझ सकते हो कि बच्चे को पूरी साल आप पढ़ाते हो, पूरा ईयर आप कितना, ऐसा नहीं है बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चे के पीछे जो होते हैं ना वो चार हाथ साथ होते हैं, उसके उठने से लेके उसके स्कूल जाने तक लेके और उसके स्कूल से वापस आने से लेके उसके होमवर्क से लेके उसकी पढ़ाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चा नहीं, बच्चे के पेरेंट्स भी साथ होते हैं, सराउंडिंग हमारे सारे लोग साथ होते हैं। तो इनको भी ये टेंशन थी कि अब अगर ये एग्ज़ाम नहीं देगा तो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। आप समझिए ना, पूरा साल आप पढ़ते हैं और उसके बाद आप एकदम से डिसाइड कर लेंगे, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम ही तो है एजुकेशन सिस्टम में कि एक एग्ज़ाम है जो ये डिसाइड करता है कि हाँ नाउ यू क्रॉस योर क्लास, यू पास योर क्लास, सॉरी। तो ये लोग परेशानी में थे, ये काफ़ी रात तक सोई नहीं और बाबा के सामने बैठ के बोलती रही कि बाबा कुछ ऐसा करो कि मेरा बच्चा एग्ज़ाम दे ले, क्योंकि उसका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। और इनको भी पता है कि इनका बेटा थोड़ा सा ज़िद्दी है और वो जब वो कोई बात बोल देता है तो जल्दी से मानता नहीं है, तो इनका सिर्फ और सिर्फ आखिरी सहारा जो थे वो बाबा थे। और हकीकत भी है कि हमारा पहला और आखिरी सहारा बाबा ही होते हैं, इनका भी हैं तो कोई अलग बात नहीं है और बहुत बड़ी बात भी है, लेकिन अलग नहीं है क्योंकि अब जो जितने भी बाबा के बच्चे हैं ना सबका पहला और आखिरी सहारा बाबा ही होते हैं, सीरियसली। तो ये कह के और सो गई। सुबह देखिए जब इनकी आँख खुलती है तो सुबह बेटा अपने आप ही उठता है, रेडी होता है और कहता है नहीं और मैं ना एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तो इनको बहुत खुशी होती है, फिर वो जो डेली रूटीन होता है कि उसको ब्रेकफास्ट देना या उसको दूध देना, जो भी इनका रूटीन होगा, इन्होंने वो पूरा रूटीन किया और बच्चे को अपने एग्ज़ाम देने भेजा। बाद में इन्होंने प्रॉपर बाबा को थैंक यू भी बोला और बाबा की पूजा की, बाबा को थैंक यू बोला कि बाबा देखो आपने मेरी बात मान ली, थैंक यू, और मेरा बच्चा जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो गया है। तो ऐसे होते हैं बाबा, मतलब पल में माइंड चेंज करते हैं सीरियसली, और वो करते हैं।
क्योंकि बहुत बार मैंने भी ये नोटिस किया है कि बाबा ऐसा करते हैं, और ये मतलब क्या बोलूँ मैं तो मतलब बस चुप हो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता बाबा के लिए मैं क्या बोलूँ, कि जितना बोलो उतना कम है। बाबा शब्दों में सिमटने वालों में से नहीं है, बाबा शब्दों से बहुत ऊपर है। जो मैं बोलती हूँ या जो हम सब बोलते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, अगर हम बोलने में आए ना तो पूरी जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन बाबा के बारे में बोलना बंद नहीं होगा। तो ये है बहुत प्यारी सी लीला। और एक और इसी तरीके से है कि एक डिवोटी है, बाबा के प्यारे से बच्चे हैं, वो हैं पंजाब से। वो डिवोटी बहुत टाइम से बाबा के मंदिर जा रहे थे, लेकिन डिवोटी नहीं कह सकते, मतलब हाँ मंदिर जाना है। और मंदिर वो क्यों जाते थे, ये देखिए, इनकी जो वाइफ हैं वो बहुत बड़ी भक्त हैं बाबा की, बहुत प्यारी, मतलब वो बाबा को अपने इतना प्यार करती हैं कि मैं शब्दों में नहीं, फिर मैं वही बात कहूँगी कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती, पर वो बाबा को बहुत मानती हैं। और इनका मानना है कि मतलब वो कुछ भी हो पर एटलीस्ट थर्सडे टू थर्सडे मैंने बाबा के मंदिर जाना है, एवरी थर्सडे। तो इनकी कोशिश भी होती थी, मतलब कि बहुत ही रेयर होता था कि मिस हो जाए, अदरवाइज ये कोशिश थी इनकी कि मतलब ये जाती थी। तो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ये मंदिर जाते थे, मत्था टेकते थे। और ये देखिए वो मत्था टेकना, मतलब बाबा को वो भी कितना स्वीकार होता है कि आप सच्चे मन से तो नहीं कह सकती वो, क्योंकि वो जब मत्था टेकते थे तो मन से ही टेकते थे, लेकिन ये नहीं था कि नहीं, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हम बिल्कुल मतलब बाबा पे ही, मतलब बाबा ही सब कुछ है, वो वाला सीन नहीं था। तो हर बार ही जाते थे, हर बार मत्था टेकते थे, सब कुछ था, ओके था। तो और इवन ये इतना भी बचते थे कि इनको ये टाइमिंग पता था कि इस टाइम पे आरती हो रही होगी, तो ये आरती से बचते थे कि मतलब उतना टाइम मेरा ना वहाँ पे मंदिर में वेस्ट हो जाएगा, तो आरती के बाद या आरती से पहले, ताकि हम फटाफट मंदिर में दर्शन करके और वापस आ जाएं। तो इस टाइप से भी था इनका, पर बाबा को तो कुछ और ही मंजूर था। बाबा कैसे कैसे उनको अपनी शरण में लेकर आए आप समझ भी नहीं सकते हैं। एक बार का इंसिडेंट ऐसा है कि बाबा की लीला कैसी हुई, ये परेशान थे क्योंकि कुछ पेमेंट्स थी जो रुकी हुई थी बैंक से, और इनको वो पेमेंट करनी थी, पेमेंट अर्जेंट करनी थी, और कुछ पेमेंट्स इनके पास थी, कुछ पेमेंट नहीं थी, और अराउंड मतलब 25,000 इतने की पेमेंट जो थी इनके पास नहीं थी, वो शॉर्ट हो रही थी। और सेम डे इन्होंने उनको, जिसको भी देनी होगी उनको पेमेंट करनी थी, और उस दिन जो था उस दिन थर्सडे था। तो ये अपने रूटीन काम में निकले, अपने जॉब पर निकले, और काम सारा ख़त्म करने के बाद और ये वापस आ रहे थे। तो मतलब सोचते आ रहे थे, इन्होंने अपनी वाइफ से भी बात की कि समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, और तू अपने बाबा को बोलो कि पेमेंट कहीं से मतलब अरेंज, वो पेमेंट जो रुकी हुई है वो ही आ जाए, या कहीं से अरेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर एटलीस्ट पेमेंट हो जाए तो मैं अपनी प्रॉमिस पूरा कर सकूँ। तो इनकी वाइफ भी कहती है कि अब देखो सब कुछ बाबा पे छोड़ा हुआ है, वही करेंगे वो अरेंजमेंट। तो इन्होंने बस इतना सोचने के बाद इन्होंने वाइफ के साथ बात मतलब डिस्कनेक्ट किया कॉल, और उसके बाद इनके दिमाग में सडन आया, ये ऑन द वे थे और मंदिर के आसपास ही थे, बस सडन इनके दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि चलो आज थर्सडे है और बाबा को ना मत्था टेकता हुआ जाता हूँ। आप सोचिए वो गाड़ी जो है वो टर्न करके, और जैसे ही मंदिर के रोड पे ये गाड़ी जाती है, और आप सोचिए उनके फोन में एक मैसेज ब्लिंक होता है, और जैसे ही ये फोन उठा के मैसेज चेक करते हैं, और वो मैसेज था कि बैंक की साइड से था कि 25,000 इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, वही अमाउंट जो अमाउंट इनको शॉर्ट पड़ रहा था। और ये स्पीचलेस थे, मतलब शॉक थे कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी, कहीं से कुछ भी नहीं था। जो पेमेंट्स आनी थी वो पेमेंट्स भी ऐसे थी कि मतलब वो डिले हो रही थी, और उनकी भी पॉसिबिलिटीज जो थी वो सेम डे की नहीं थी, पर उसके बावजूद भी अकाउंट में एक मैसेज ब्लिंक होता है, और वो सेम अमाउंट जो अमाउंट इनको चाहिए था वो अमाउंट इनके अकाउंट में होता है, और ये सरप्राइज हो जाते हैं लिटरली। तो फिर ये फ़ोन करके अपनी वाइफ को बताते हैं कि आज ऐसे ऐसे हुआ, और उनकी वाइफ वही एक चीज़ बोलती है
कि जब बाबा होते हैं ना तो फिक्र की नहीं खुशियों की बात होती है। और हकीकत भी ये है कि जब बाबा होते हैं ना तो हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, मिलता हमें सब कुछ है। अब वो अपने टाइम पर मिलता है, लेकिन बाबा करते ज़रूर हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बाबा हमारी बात ना मानते हों, जो हमारे पूरे ना करते हों। वो हर काम हमारा पूरा करते हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, वो हर जगह हमारी हेल्प करते हैं। वो हमारे साथ साथ चलते हैं, हकीकत ये है। बस दिल से मांगने की ज़रूरत होती है और दिल से बाबा का होने की ज़रूरत होती है। एक बार उनके हो जाओ, क्योंकि जब वो आपके हो जाते हैं ना तो हम फिर भी भूल जाएं पर बाबा कभी नहीं भूलते। वो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते, ना देना कभी भूलते हैं और ना उनके साथ रहना कभी भूलते हैं। तो ये थी प्यारी सी धूल बाबा की लीलाएं, और बहुत प्यारी हैं सच में। तब सुन के मैं सच में इमोशनल हो गई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं फिर वही कहूँगी कि आपको अगर लीलाएं अच्छी लगती हैं या कुछ सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करके ज़रूर बताएं। मैं चाहूँगी कि मुझे पता लगे, मैं करेक्शन भी करना चाहूँगी। और कमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको अप्रिशिएट में मतलब दिल से एक्सेप्ट भी करूँगी। और अगर कोई बाबा की लीलाएं भी हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और थ्रू ऑडियो और टाइप करके भी सेंड कर सकते हैं। और अगर ऑडियो या टाइप करके सेंड करेंगे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू कि मुझे बार बार उसको स्टडी करके, मैं बार बार उसको सुन के या रीड करके एक परफेक्शन के साथ कोशिश करती हूँ कि आप सब लोगों तक पहुँचा सकूँ। और मेरा नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं के साथ। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।